यारे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और कर्म के साथ ठीक ठाक होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सभी बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और आप सदा हंसते मुस्कराते रहें। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ वीर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो साथ में घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अगर साड़ी आज की वीडियो साढ़े बहनों भाई अच्छी लगे, इसमें लाइक और शेयर करियो। तो अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज साड़ी वीडियो कुछ इस तरह है कि साढ़े मेहमान आ रहे हैं, तो असी लगे हैं फिर मेहमानों की तैयारी। तो सब तो पहले हम चलते हैं बाजार, बाजारों लेके आते हैं कोई चाय नाश्ते का समान, मिठाई वगैरह, नीमको बिस्कुट वगैरह, तो वह लैके आते हैं। फिर मेहमान आने तो उन्होंने दिने, सब तो पहला हम मौसम चेंज होने पे, तो मौसम कुछ बदल पै गया माशाल्लाह, इतने धूप भी काफ़ी जबरदस्त निकली हुई है। सब तो पहले उन्होंने ठंडा देवे, तो उस तो बाद उन्होंने फिर चाय मिठाई वगैरह देवे। तो फटोफट चलते हैं सब तो पहला बाजार, तो बाजारों लैके आइए समान, तो उस तो बाद फिर मेहमान भी पहुँचे आने, तो फिर मेहमान वाज लग जावे। तो मिठाई का डब्बा लैके आए हैं भाई, मिक्स मिठाई, तो नाल लैके आए फेंटा दी बोतल। साढ़े मेहमान आ रहे हैं, मेहमान पहुँचने वाले, मेहमान पहुँचने तो पहला उन्होंने तैयारियां चल दी पे, गिलास वगैरह अस निकाल ले ठंडे वास्ते, तो उस तो बाद फिर चाय वगैरह बनाने। मेहमानों की कल आई है, मेहमान लाग ही लगे हुए हैं, कि मेहमान आने तो पहले ही असं चाय बनाने वास्ते भी रख दी है। सारी चाय बन जाएगी, सब तो पहला ठंडा देवे, तो उस तो बाद तक चाय तैयार हो जाएगी, फिर चाय मिठाई वगैरह दे देंगे मेहमानों को। तो सिलंडर का सुविधा लिया था बड़ा फायदा है, नहीं तो भाभी जी अगे चूल्हे तक खापते सी, हूँ भाभी जी चूल्हे चाह घटी चलती, छोटा मोटा काम सारा इतने चलता, मैं सिलंडर बड़ा चकेंगे, लेकिन फिलहाल सिलंडर घर पर असं इसे इस्तेमाल कराया है, तो हूँ किसी दिन सिलंडर भी बड़ा लियावे, और चूल्हा भी असं बड़ा लेना डबल, यह सिर्फ आज तौर पर लिया चेक करने वास्ते, बड़ा फिट काम चलता पे इस। मेहमान पहुंच चुके हैं, सब तो पहला मेहमान असं पिलाने ठंडा, चाय बन गई, मेहमान पहुंच चुके हैं। भाभी अस भी शॉप पर चटा भी लेकर फिरती है, तो आ लेकर फिरती है, मैंगो मस्सी है या लेमन, लेमन मेहमानों आज ही देने चाहना टाके, तो बिस्कुट ही बस मेहमानों ने, मैं कह रही है यही दे देने हैं, अजी ही दे देने जेडी बिस्कुट मिठाई नहीं कुछ उनको लेके रह मेरी है वो खुद खाना है वो बोलता ये मोई सही बात है समान अच्छा है। मैं कह शिव भाभी दे ही ना लेने की मेहमान, मैं तो परेशान हो गया, मैं कह मैं नीचे से रह के भाभी से एक अजीब चीज पकड़ी कर दी, मैं कह शायद को भाभी से न्यू ट्रेंड चलाने लगे हैं मेहमान वास्ते, नहीं बच्चे ज्यादा रहा थे वो लेके ऐसे हैं अच्छा हाँ चलो कोई नहीं। तो चाय बन गई, मेहमानों ठंडा पिला चुके हैं, ये हूँ मेहमानों ने चाय दें, हूँ कप लेके आने और मठियाई निमको शिमको बिस्कुट, तो फिर मेहमानों दिने अच्छा भी मेहमान वास्ते बिस्कुट ही रख ले, बिस्कुट भी दें अं और निमको भी प्लेटा पा ली है, तो मिक्स मठियाई लैके आए स्पैशल अपने मार्केट की भी प्लेटा पा ली है। प्लेटा के बिच मठियाई बिस्कुट और निमको दाल रख ली है, तो चाय भी सारी बिल्कुल बन गई है, हूँ मेहमानों कप्पा चाय पाने हैं, तो हम जब कप्पा चाय पा के तो फिर मेहमान चाय पीने वास्ते देने हैं। तो दूध पत्ती असली गई हुई है माशाल्लाह, दूध खुला करता, तो इसलिए मेहमानों वास्ते खालस दूध पत्ती लगाई है। चाय तो बाद फिर मेहमानों वास्ते रोटी का भी इंतजाम करते हैं, चाय दे के फिर मैं गोश्त ले आया अगे, फिर बाबू जी ने गोश्त वगैरह बनाते, तो फिर मेहमान रोटी देते हैं। तो जोड़ा मेहमान है अम्मी जी उन्होंने बड़ी करीबी है, तो अम्मी जी उन्होंने कपा शप करते पे हैं, तो चाय साड़ी तैयार होकर कपा कपाई से पा ली है, बाबी जी मेहमान घर चाय देंगे, मैं बाहर मेहमान बैठे उन्होंने वास्ते चाय फिर लेके चलता है। तो मेहमान फिर के चले गए हैं, तो हूँ उन्होंने तो बाद जोड़े रह गए बर्तन वो मैं और अम्मी जी धोवे, अम्मी जी ने समान समून मैं लिया के देवगा, धोगे बर्तन अम्मी जी, तो क्योंकि भाभी आसिया और बैजवी ने चले जाना मामू जी उन्होंने, हमने बेटिया की कुछ तबीयत नहीं ठीक आ गई, फिर काम कर रहा रह गया, फिर
अम्मी जी और मैंने करना पैना है, इसलिए फिर अम्मी जी ने बर्तन वगैरह धोवा के तो बाद फिर माल मनी भी सामना पैना, सू पट्ठे पुट्ठे पाने पैने, पानी पुनी पिलाने वाला काम काफी है। तो मेहमान साढ़े फिर के चले गए, मेहमान जाने तो बाद जो बर्तन चाय वगैरह आ गया, हाँ जी अम्मी जी ने पानी बाली पा के लिया दिता है, बर्तन नीचे रख दे पाए हैं। अम्मी जी धो के ना इस तरह इसनों टोकरी खुशकने वास्ते बर्तन रख देंगे, उस तो बाद फिर अपना शौच लगा देंगे, पहले धो के खुशकने वास्ते रख दी, उस तो बाद फिर रोटी टोकर बर्तन है ना फिर वह भी धोने के, हाँ जी वह तो टोटी धो लेंगे टोटियां तो फिलहाल जो है धो जाने गिलास वगैरह भी धो जाने। अच्छा ते मेहमान साढ़े वाहवा सारे आए से, तकरीबन किन्ने मेहमान से, 12 मेहमान से, 12 ग्लास से छोटे बच्चे अपने टांगे की दूसरे ग्लास, हां जी 12 मेहमान आए, 12 ग्लास में शीशे ते मनो ना मेहमान वाला पग दे रहे हम से टूट जाऊगी जान केड़े भाई से यार शीशे वाले भाई जैसा मार के शीशा ले लो ना जदों भाई मैं जे जदों जिगने ना पत्थर फर्श ऊपर ओ टूटना टूटना शीशा जिना मर्जी ने चेंज कर ले लो अड्डे वधिया से ओ तोड़ देना एक बार लिखी जाई नहीं अच्छा चले जायो ते काम कौन करेगा मेहमान फिर गए मेरा बर्तन कहने धोने अच्छी गोली बेटी धियां काम करवाया मी ना फार्मिका फुल गया लेकिन उपर लवाया ना पट्टे वाटर पट्टे लगाए ते लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है, इसलिए ना धो के बर्तन के टोकरे च लगाई जाने इस बिल्कुल पानी नीचा जाएगा पानी खुश हो जाएगा तो फिर लगावे बर्तन शौक से हम रख लवेंगे चलो कोई नी बर्तन धो के चले जाना भाई भाभी होने सारे फिर बताया काम संभाल लाना है। हां जी कहने चक्की सी हिबा चक लगी सी। अच्छा मैं रख देना उपर रख देना मैं अपने बेटे चीज उपर रख देना है हिबा लाई जाती है मैं लुको देना मैं अपने बेटे चीज लुको देना है लुका दवा छुपा देना मैं है चल दे मैं छुपा दवा तो फिर आपकी अभी छुपा दवा अभी दे जाओ दे चल हूं दोनों चीजा नहीं लभनिया है हिबा मैं छुपा देना मैं दोनों चीजा छुपा लगा ठीक है बर्तन भी मेरे लगता कि अपने कापसा होर लेके आने पैने हैं ये हूं ना कुछ पुराने हो गए हूं नहीं होना बच्चे को तोड़ दें कोई अपने को टूट जाते काम हो जाते फिर हम दारा को दो चार दर्जन लेवे जी हम जो बर्तन आते भी हौले आते अच्छे नहीं आते है जेडे अगे पत्थर के सैट आते ना ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਿਓਰ ਪੱਥਰ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਛੇਵਾਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੁਮਾਨ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ बर्तन जी ने काफी चाय दो ले
बकाया जिहड़ा सी प्लेटां वगैरह बोतलां लई गिलास डिशां वगैरह धो लईआं ऐ ते खुशबू होने वास्ते बाहर रख दिंदे आं ते नाल जिहड़े बाहर बर्तन साडे पए आ दूसरे हुण ओह वी धो लैंदे आं सालन वगैरह दे बर्तन आ ते चाय वाली कप और दूसरे बर्तन बोतल वगैरह वाले सारे बर्तन धो के धूप रख दिते ते सारे बर्तन धो के धूप रख दिते अच्छी तरह खुशक हो जाना उस तो बाद सोक्स इन्हां नूं लगावांगे सोक्स रख दांगे ते उद तक फिर जिहड़े दूसरे बर्तन सालन वाले उह धो लैंदे आ जिहड़े इह बर्तन रह गए डिश और चाय वाली देगची इह वी बाहर रख के धो लैंदे आ ते इह बर्तन दूसरे पए आ इह वी हुण बाहर चक के लैके चले भाभी होनी ते टूटियां नूं धोणे इन्हां नूं वी ते बर्तन धूप ते रख के बर्तन कुछ खुशक हो गए ते जिहड़े शीशे दे बर्तन ने गिलास वगैरह उस नूं कपड़े ना खुशक करदे पए ने ते इस नूं ना वैसे टाग जिहे लग जांदे आ पानी दी वजह तों उस नूं कपड़े ना खुशक करके इस तरह धूप रखी जावांगे बाद च फिर चक के इस नूं शोश विच लगा दांगे शीशे दे बर्तन जिहड़ा दूसरे बर्तन आ सारे शोश रख देवांगे ते अम्मी जी धूप ते बैठे चार पाई उपर जिहड़े गिलास आ कपड़े ना साफ करके ना बट्टे नाल ते उस नूं सैड ते रखी जांदे आ ते बाद च हुण मैं चक के इन्हां नूं शोश लगा दांगा हाँ नहीं अच्छी गल्ल धूप लगा दो इन्हां नूं ते फिर हाँ जी हाँ जी बिलकुल असि नहीं भेज देंगे ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੁਸਰਾ ਪੀਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਣ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਚਾਹ ਕੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਲੇਟਾਂ ਟਰੇਮਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।